में हमें फाइंड करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू मेक इट इलेक्ट्रीफाइड बाई 3.2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो बॉडी पे जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो हमें देना है 3.2 कूलम्ब का, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव करना है ये बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्यू इज इक्वल्स टू जो होता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है दिस इज एन टाइम्स ई एंड एन इज इक्वल्स टू क्यू बाई वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एंड क्यू क्या है, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन द बॉडी जो हमें चाहिए, दिस इज चार्ज ऑन बॉडी एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। सो क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना है, क्यू जो है वो है 3.2 कूलम्ब, सो यू गेट 3.2। एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 19, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा तब उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 3.2। सिंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्पेसिफिक प्रोसेस, यू हैव टू फाइंड चार्ज एक्वायर्ड बाई द बॉडी। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, 10 to the power 20, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है मतलब जो चार्ज आएगा बॉडी पे वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। सो चार्ज कितना एक्वायर होगा, तो हमें पता है चार्ज एक्वायर्ड बाई ये बॉडी इज प्लस माइनस एनी, सिंस इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू एनी, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हो रहा है वो दिया हुआ है, दैट इज 10 to the power 20, एंड ये होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, तो चार्ज ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू टेन टू द पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 1, सो विच इज 16, सो बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो होगा 16 कूलम्ब, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Body has minus 10 coulomb of charge if 3 into 10 raised to power 20 electrons are removed from this, then find न्यू चार्ज ऑन द बॉडी, तो बॉडी पे नया चार्ज कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ बॉडी हैज माइनस 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज इफ 3 इंटू 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस, देन फाइंड न्यू चार्ज ऑन द बॉडी। तो पहले से उसके ऊपर चार्ज था और कुछ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूव हो गया, तो नया चार्ज कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन से आ जाएगा, करते हैं इसको। सो यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है उसके वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज आएगा वो देख लेते हैं कितना आएगा। सो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड, ये फाइंड कर रहे हैं हम ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इतने जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं ना उसके वजह से कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये आएगा क्यू इज इक्वल्स टू, हमें पता है एनी होता है,
सो एन हो गया 3 × 10⁻²⁰ एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम विच इज इक्वल्स टू 4.8, ये हो गया 4.8 × 10 विच इज 48 कूलम। तो 48 कूलम ये नया चार्ज जो उस पर डेवलप हुआ, और उसके पास पहले जो चार्ज था वो कितना था, -10 कूलम। तो हमें पता है एडिटिव नेचर होता है चार्ज का, सो देयरफॉर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी पे, फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी ये कितना हो जाएगा, सो Q1 पहले से कितना था -10 कूलम, प्लस बाद में कितना डेवलप हुआ है 48 कूलम, सो दिस विल बी इक्वल टू 38 कूलम। सो ये नया चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ 10⁻¹० अल्फा पार्टिकल्स, इफ 10⁻¹० अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम अ बॉडी देन आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ 8 μC। सो इफ 10⁻¹० अल्फा पार्टिकल्स आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम अ बॉडी देन आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ 8 μC। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, सो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, तो हीलियम एटम होता है, मतलब इसमें जो चार्ज है वो कितना है 2e, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो 10⁻¹० अल्फा पार्टिकल्स पे कितना चार्ज होगा, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 10⁻¹० × 10 एक अल्फा पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मतलब 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का, तो ये हो गया 3.2 और ये हो गया 10⁻¹⁹, ठीक है। तो 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम पर सेकेंड, इतना इजेक्ट हो रहा है, इतना इजेक्ट हो रहा है, तो 8 μC, 8 μC का मतलब कितना हुआ 8 × 10⁻¹⁶ कूलम, इतना कूलम हमें चार्ज चाहिए, तो टाइम कितना लगेगा, तो एक सेकेंड में बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो इतना है, सो देयरफॉर टाइम, तो 8 × 10⁻¹⁶ को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो एक सेकंड में इतना है, या इतना इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज जो है, इतना चार्ज डेवलप हो रहा है एक सेकंड में, तो इतना कितने टाइम में होगा, तो सिंपल यूनिटरी मेथड से ये हमें मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 80/32 × 10³ दैट इज इक्वल टू 16.5 × 16.2, सो दिस इज 2.5 × 10³ सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स में बॉडी के ऊपर 8 μC का चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है।